हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत कॉमन टर्म है, बहुत सुनने में आता है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब, जिस तरह से नाम से इसके जाहिर होता है, बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग के अगेंस्ट, लिविंग के एंटी। तो ये एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या करता है? एंटीबायोटिक ये करता है कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं या जो फंगस वगैरह हैं, तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, उनका जब हमारी बॉडी में हम पर वो उनका इन्फेक्शन होता है तो हम उन एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उन बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक का काम होता है कि उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रोब्स को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं, मार देते हैं, और फिर हमें वो इन्फेक्शन नहीं रह जाता, हम हेल्दी हो जाते हैं। ये एंटीबायोटिक हो गया। लेकिन एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक ये होता है कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और वो उनका अगर हम पर इन्फेक्शन हो तो उनकी ग्रोथ को एक तरह से रोक देता है। मतलब ये कि जैसे हमें ऊंड होती है, कहीं कट जाता है और हम वहाँ पर एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं, तो जब एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं तो वहाँ पर जो बैक्टीरियाज या जो फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है या उनका इन्फेक्शन हुआ है, तो उनके लिए वो ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है जो उनके लिए लिए फेवरेबल नहीं होती। तो जब उनके लिए फेवरेबल नहीं होती तो उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो एंटीसेप्टिक होता है वो ये काम नहीं करता कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, बल्कि वो उनको, इनके ग्रोथ को रोक देता है। तो इससे ये होता है कि वो इन्फेक्शन बढ़ने नहीं पाता, वो इन्फेक्शन जहाँ तक है, जिस तरह से जो बैक्टीरियाज हैं उनका ग्रोथ उतने ही पर रुक जाता है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती। मतलब ये कि आप एंटीसेप्टिक लगा देते हैं तो फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती उनको, और उनका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक होता है वो एंटीबायोटिक उनके उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि एंटीसेप्टिक जनरली क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनके ग्रोथ को रोक देता है, उनके लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जो एंटीबायोटिक होता है वो उनको किल कर देता है। एंटीबायोटिक हम आमतौर से टेबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, और एंटीसेप्टिक हम आमतौर से ऊपर से लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले, या कहीं पर कट जाता है तो वो ऊंट को साफ करने के लिए हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत कॉमन एंटीसेप्टिक है जो यूज़ किया जाता है, और अगर एंटीबायोटिक के लिए यूज़ करें तो पेनिसिलिन, ये बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है जो यूज़ की जाती है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में, कि एंटीबायोटिक होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक जो होता है वो किल नहीं करता है, बल्कि उनके ग्रोथ को रोक देता है, उनकी लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहता तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। यही डिफरेंस होता है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में। तो उम्मीद करते हैं डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।